Dear students, assalamu alaikum. I am Maria Ishtiaq. I am your teacher of Urdu of class 6. आज हम सबक पढ़ेंगे यौमे दिफा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने. पहला है त्यौहार. त्यौहार का मतलब है खुशी का दिन. जुर्रत. जुर्रत का मतलब है शुजात या बहादुरी. सीना सुपर होना. सीना सुपर होना का मतलब है मुकाबिल होना या जमा रहना. खाक में मिलाना, पामाल करना या बर्बाद करना. बलाए ताक रखना, परवाह ना करना. रकम की. रकम की तहरीर की या लिखी. इस्तेहकाम. इस्तेहकाम मतलब मजबूती या पुख्तगी. सीसा पलाई दीवार यानी कि मजबूत तरीन रुकावट. अश अश करना बेअख्तियार तारीफ़ करना. छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह शिकस्त देना. अब हम आएंगे अपने सबक की तरफ. इस सबक में हमें यौमे दिफा के बारे में बताया गया है. 6 सितंबर 1965 की को रात की तारीकी में अचानक पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़िज़ाया ने बड़ी बहादुरी से सरहदों की हिफाजत की और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गरूर खाक में मिला दिया. इस जंग में मेजर अजीज़ भट्टी और उनके कई साथियों ने शुजात और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया. मेजर अजीज़ भट्टी ने जाँबाजी और जवां मर्दी की जो दास्तान लिखी, इसके सिले में हुकूमत ने उन्हें निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा. उन 14 की याद में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वतन का दिफा किया, 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान का नाम दिया गया. इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुलहुकूमत में 31-31 तोपों और सूबाई दारुलहुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी से होता है. लाहौर के फोर्ट ट्रेड स्टेडियम में हर साल यौमे दिफा के मौका पर एक खसूसी तकरीब मुनक़द होती है, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है. फिर परचम कुशाई की तकरीब के बाद पूरी कौम यकसुबान होकर कौमी तराना पड़ती है. इसके बाद बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के दस्ते मार्च पास्ट करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरते हैं. परेड के बाद फ़ौजी जवान जंगी करतब और कमालात का हैरत अंगेज़ मुजाहरा करते हैं, जिससे लोग लुत्फानंदोज होते हैं. आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं. इस सबक के हिस्सा ग्रामर में हमारे पास है मुहावरा. मुहावरा किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ अपने हकीकी या मजाजी लफ्जी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहते हैं. यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों वो अपने लफ्जी मायनों के बजाय अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो रहे हों तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा. जैसे कि हमारे पास है सीना सपर होना. ठीक है, सीना सपर होना भी एक मुहावरा है. अब अगर इसका लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसका लफ्जी मतलब है सामने आ जाना, लेकिन अगर इसके मजाजी मायनों की तरफ जाएँ तो इससे मुराद क्या होता है? मुसीबतें झेलना, यानी कि मुसीबतों को बर्दाश्त करना. इसी तरह और बहुत से मुहावरात भी हैं, जैसे कि अशश करना, सीसा पलाई दीवार, हाक में मिलाना, आंच ना आने देना, जान पर खेलना, मुँह तोड़ जवाब देना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर फर्स्ट सेमिस्टर नोटबुक्स. बट इफ़ यू डू नॉट हैव फर्स्ट सेमिस्टर नोटबुक्स देन राइट